Have we begun chapter 2 of class 8 from history from trade to territory. ठीक है, तो first of all है मतलब before starting any chapter we should know what is the meaning of the name of the chapter. So here it is from trade to territory. मतलब ट्रेड करने कौन लोग आए थे और वो लोग उन्होंने यहाँ पर अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश कर ली. ठीक है, तो दिस इज़ फॉर यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन. एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी हमें लगता है कि सबसे पहले आई थी, बट दिस वॉज नॉट एक्चुअली द केस. सबसे पहले आए थे पोर्तुगीज, उसके बाद डच, देन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन फ्रेंच. ठीक है, अच्छा तो यूरोप के अंदर क्या था, हमारे यहाँ के इंडिया के स्पीसीज मसाले जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे फॉर मीट प्रिजर्वेशन और उनके मतलब खाने पीने के लिए, क्योंकि वहाँ वो चीज़ें नहीं उगती हैं, नहीं पैदा हो पाती हैं. ठीक है, तो दे नीडेड अस फॉर स्पीसीज. ठीक है, तो क्या हुआ, एक जगह थी और उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपोल. ये जगह जो थी पहले मतलब जो ट्रेड होता था वो इसके थ्रू होता था. ठीक है, टर्की में ये एक जगह है. तो उसके बाद क्या हुआ, इसको टर्किश लोगों ने मतलब कैप्चर कर लिया और उसके बाद वो आ गए ओटोमन एम्पायर के अंडर. तो उन्होंने फिर वहाँ के ट्रेड के रास्ते बंद कर दिए कि यहाँ से कोई ट्रेड नहीं होगा. देन वॉट हैपेंड, जो हम पढ़ते हैं ना कि वो वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की, तो वास्को डी गामा ने, ही वॉज अ पोर्तुगीज, वो आया, उसने एक सी रूट ढूंढा. ठीक है, एंड ही डिस्कवर्ड इट एट 1498 AD. ठीक है, तो सी रूट, ये सी रूट डिस्कवर किया था इसने तब, और ये पहुंचा था यहाँ पर कैलिकट. कैलिकट जगह का नाम है, इट इज़ इन केरला. ठीक है, तो ही रीच देयर. और एक इसी के आसपास मतलब एक बंदा और चला था, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस. ही वॉज फ्रॉम स्पेन, वो भी इंडिया की तरफ रास्ता ढूंढने आया था, लेकिन वो थोड़ा रास्ता गड़बड़ कर गया और उसने USA डिस्कवर कर दिया. ठीक है, तो पहले यहाँ पर आने वाले कौन थे, मतलब सी रूट डिस्कवर किसने किया था, इट वॉज वास्को डी गामा. ठीक है, देन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, फर्स्ट फैक्ट्री इट वॉज इन सूरत, इसकी भी सूरत में थी, पोर्तुगीज की थी कोचिन, इट्स इन केरला, और इनकी थी मसूलीपट्टनम, MASULIPATNAM, इट्स इन आंध्र प्रदेश. ओके, ठीक है, तो दिस वॉज ऑल डन, ये खोज भी हो गई. अब ये लोग इंडिया आए 1600 के आसपास, नॉट एग्जैक्ट डेट, 1600 कहीं कहीं है, कहीं कहीं 1605 भी है. तो इन्होंने 1600 में क्या किया था, इंग्लैंड में एक चार्टर इशू कराया था. ठीक है, चार्टर इशू कराया था, एंड दिस चार्टर वॉज इशूड बाय क्वीन एलिजाबेथ. ठीक है, अब क्वीन एलिजाबेथ ने इनको एक चार्टर इशू कर दिया, और उस चार्टर के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई और कंपनी इधर की साइड ट्रेड करने नहीं आएगी, यू विल बी ओनली द कंपनी. ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोला गया, सी इफ़ यू लुक एट द वर्ल्ड मैप, हेयर इट इज, आई एम सो सॉरी आई गॉट इट लेट. देखो ये स्पेन है, यहाँ से आया था कौन, क्रिस्टोफर कोलंबस, यहाँ ये USA ढूंढ दिया था इसने. ठीक है, और यहाँ है केप ऑफ गुड होप, यहाँ से इसको होप हुई थी वास्को डी गामा को कि अब तो भैया इंडिया मिल ही जाएगा, साउथ अफ्रीका के तरफ से कि अब तो भाई मिल ही जाएगा. ठीक है, तो यूरोप क्या है, ये जो पार्ट है हमारा, दिस इज़ यूरोप. ठीक है, तो यूरोप की तरफ से इंडिया जो है, इफ़ वी नोट डाउन द डायरेक्शंस, तो देखो क्या होता है, दिस इज़ योर नॉर्थ डायरेक्शन, एंड इधर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ के राइट में होता है हमेशा ईस्ट, तो दिस विल बी योर ईस्ट डायरेक्शन. तो इनके हिसाब से ईस्ट में आ रहे हैं ये लोग, दैट्स वाई दे कॉल्ड अ कंपनी कि ये जो है ईस्ट की तरफ ट्रेड करने जा रही है, एंड दैट्स वाई इट वॉज नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी.
सो दिस वॉज डिस्कस्ड कि वाई दिस कंपनी वॉज नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने इशू किया था? टेल मी द आंसर. सो इट वॉज क्वीन एलिजाबेथ. ठीक है, अब चार्टर इशू हो गया, सब कुछ हो गया, दे केम टू इंडिया. इंडिया आके इन्होंने देखा भाई यहाँ तो है कॉम्पिटिशन. ठीक है, कॉम्पिटिशन देखने के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्हें तो हटाना पड़ेगा. तो सबसे पहले इन्होंने किया डच लोगों के साथ युद्ध मतलब वॉर, एंड इट वॉज इन 1759 अगेंस्ट डच. ठीक है, देन अगेंस्ट फ्रेंच इट वॉज इन 1760 अगले साल इन्होंने फ्रेंच के साथ लड़ाई कर दी. इनका मतलब इतना ज़्यादा इनकी दुश्मनी इस हिसाब से चलती थी कि किसी का कोई शिप आ रहा है किसी दूसरे कंट्री से तो उसको डुबा दिया, उस पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करा दी, इस तरीके के काम करते थे. और फाइनली लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हो गई तो इनको जो है ये जो है दिस वर नोन एज कर्नाटक वॉर्स. कर्नाटका में हुए थे ये, तो इसलिए इनको तीन बारी हुए थे इसलिए इनको बोलते हैं कर्नाटक वॉर्स. ठीक है, फिर ये 1600 से लेकर 1700 तक इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या किया, इन्होंने तीन प्रेसिडेंसीज बना दी थी अपनी, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल. ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन्होंने तीन प्रेसिडेंसी बना दी. फिर क्या हुआ, मतलब इससे पहले क्या ना यहाँ का एक तो मैं एक बताती हूँ, 1696 में क्या हुआ था, इन्होंने ना अपनी जो फैक्ट्री बनाई थी, फैक्ट्री के अब फैक्ट्री की भी प्रोटेक्शन देखनी पड़ेगी, तो उसके चारों तरफ ना ऐसे रहना शुरू किया था, तो इनको सेटलमेंट बना दिया था. ठीक है, आसपास फोर्ट बनाने शुरू कर दिए थे. और ये क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाता है, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इट वॉज सेट अप इन 1651. ठीक है, सो फिर 1698 में इन्होंने क्या किया, ही ब्राइड मुगल एम्परर और बोला कि भाई हमें ना तीन गांव की ज़मींदारी राइट्स दे दो एंड प्लस वी वांट फ्री ट्रेड. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ना एक चीज़ और है बेटे कि ये जो चार्टर है इस चार्टर को लेके किसके पास आए थे ये लोग, मतलब परमिशन किससे मिली थी, इन्हें परमिशन मिली थी जहांगीर से. ठीक है, क्योंकि 1600 में क्या हुआ था, अकबर जो है 1605 में मर गया था, 1600 में चार्टर इशू हुआ था, 5 साल बाद अकबर जी चले गए थे, उसके बाद जहांगीर ने उनको सेंशन कर दिया कि ठीक है चलो तुम फ्री ट्रेड कर लो. इसको लगा कि हमारा यहाँ से फ़ायदा होगा, बिजनेस बढ़ेगा, कंट्री का हमारा नाम हो जाएगा. ठीक है, अच्छा तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक चल रहा था. उसके बाद क्या हुआ, बंगाल जो है बंगाल में आई गड़बड़ दिक्कत, ये इस टाइम की बात हो रही है. बंगाल में दिक्कत ये आई कि यहाँ के जो हेड थे वो थे मुर्शिद कुली खान, उस टाइम नवाब थे मुर्शिद कुली खान. उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई ये थोड़ी बात होती है कि तुम फ्री में ट्रेड कर लो, हम नहीं कर रहे फ्री में ट्रेड, कोई बात है. उन्होंने एग्री नहीं किया. ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल्स ने मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उन्हें टैक्सेस पे करने के लिए मना कर दिया. ठीक है, कि भाई हम तुम्हें टैक्स नहीं दे रहे. ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हुआ, ऐसे चलते चलते थोड़े बहुत इनके चुटपुट के बाद हो गई बैटल शुरू, एंड दिस इज नोन एज बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी हो गई. बैटल ऑफ प्लासी जो है इट हेल्ड इन 1757. अच्छा, मुर्शिद कुली खान को तो ही वॉज द फाउंडर, उसके बाद हुए अलीवर्दी खान और उसके बाद हुए सिराजुद्दौला. तो एक्चुअली क्या हुआ, ये वाली जो लड़ाई हुई बैटल ऑफ प्लासी इट वॉज अगेंस्ट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी एंड अगेंस्ट नवाब ऑफ बंगाल. तो क्या हुआ, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये लोग जीत गए. देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, यहाँ पे इस टाइम ना जो ये प्लासी का वॉर था, इस टाइम रॉबर्ट क्लाइव जो है वो
उसने मद्रास से ना पूरा का पूरा अपना फ्लीट बुला लिया था, नेवल अपनी शिप्स बुला लेते। ओके, तो दिस वॉज फर्स्ट मेजर विक्ट्री जो कंपनी जो है जीती थी। ठीक, तो सिराजुद्दौला जो है वो इनके वो थे, इनको जो मतलब हेड आर्मी के चीफ जो होते हैं, मतलब जो पूरी की पूरी फौज को ऐसे सेनापति होते हैं, सेनापति थे मीर जाफर। मीर जाफर जो है ये था गद्दार, ये ना मिल गया था इनके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ठीक है, मीर जाफर तो सेनापति मिल गया, अपने दुश्मन के साथ पूरा प्लान व्लान बता दिया होगा, तो ये लोग जीत भी गए। ठीक है, उसके बाद इसको बना दिया इन्होंने बंगाल का नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर इसको नवाब बना दिया ना, इसको भी थोड़ी देर टाइम बाद दिक्कत होने लग गई। उसके बाद इन्होंने बना दिया मीर कासिम को, ये मतलब थोड़ा अपने हिसाब से चलने लग गया था, तो इन्होंने बना दिया इसकी दामाद को मीर कासिम को। मीर कासिम को इन्होंने बना दिया बंगाल का नवाब। ठीक, अब मीर कासिम क्या चाहता था, ये चाह रहा था कि भाई थोड़ा सा रूल ना मैं राजा बनाऊँ, तो मैं अपने नवाबी तरीके से मैं अपने हिसाब से रूल करूँगा। तो इसकी वजह से क्या हो गया, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन 1764। ठीक है, बक्सर इज इन बिहार, तो बैटल ऑफ बक्सर हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहाँ थे हेक्टर मुनरो, ठीक है, यहाँ थे रॉबर्ट क्लाइव। तो इस हिसाब से क्या हुआ, इन्हें रेवेन्यू कलेक्शन का ड्यूटी मिल गया कि भाई चलो अब हम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट हो गया, तो अब क्या होगा आगे, मतलब बंगाल इतना बड़ा बंगाल था उस टाइम, बंगाल जो है इतना नहीं था जितना आज के टाइम है। उस टाइम बंगाल में आपका पूरा बांग्लादेश आता था, और थोड़ा बहुत इधर का बिहार, बिहार का भी पर आता था। और इसको मीर कासिम को बोल दे कि तुम्हें ना 5 लाख रुपए देने हैं कि तुम ये कंपनसेशन का, कि तुमने जो गड़बड़ किया हमारे साथ। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद इन्होंने मीर जाफर को री इंस्टॉल कर दिया था कि तुम ही आके वापस नवाब बन जाओ। ओके, सो दिस वे इतना। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद वी हैव इम्पोर्टेंट एंग्लो मैसूर रिलेशंस। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं कि कंपनी जो है एक्सपेंड कैसे हुई, उन्होंने जब एक बार स्टैब्लिश कर लिया अपना रूल, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो एक्सपेंड कैसे करने शुरू हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले मैं आपको डेट्स बता देती हूँ। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉज एन 67 to 69, दिस वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस हैदर अली। ठीक है, इसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक, यू हैव टू रिमेंबर दिस थोड़ा सा, ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1780 to 84 वर्सेज हैदर अली, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, इसमें हैदर अली जीते थे। ठीक है, एंड दिस टाइम गवर्नर जनरल वॉज वॉरन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो क्या हुआ, इस वॉर में ना मतलब जो ट्रीटी हुई थी, द ट्रीटी वॉज नॉन एज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और ये ट्रीटी जो है ये टीपू सुल्तान ने साइन की थी, हैदर अली का बेटा। ठीक है, फिर थर्ड जो इनका वॉर हुआ वो हुआ 1792-92। अब ये वॉर जो है ये इसलिए हुआ क्योंकि टीपू मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो इनकी पहले से ही नहीं बन रही थी, फिर इसने टीपू ने बोल दिया कि ऐसा है मैं फ्रेंच लोगों के साथ अपने रिलेशन सही रखना चाहूँगा। प्लस उस टाइम 1789 में क्या हो रहा था, फ्रेंच रिवोल्यूशन चल रहा था, तो इसको लगा कि हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को यहाँ से भगा सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन हुई, फिर लड़ाई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस टीपू सुल्तान। तो और यहाँ पर इसकी तरफ से कौन थे, गॉड लॉर्ड कॉर्नवालिस,
तो यहाँ हुआ ट्रीटी ऑफ, लास्ट में ये लोग जीत गए थे, ट्रीटी ऑफ सरंगापट्टनम, 92 में ही ट्रीटी हुई थी। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो टीपू को, टीपू की और फ्रेंच जो लोग थे, फ्रेंच जो कंपनी थी उनकी जो दोस्ती थी उसको थोड़ी दिक्कत कर रही थी, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद ना फोर्थ बार लड़ाई हुई 1799 में, इसको बोला जाता है बैटल ऑफ सराइंगपट्टनम, क्योंकि इस बैटल में क्या था, ये जो टीपू का कैपिटल सिटी था इसको बचाते बचाते उनकी डेथ हो गई थी। और इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वेलेसली। और जो मैसूर था इट वॉज गिवन टू, मतलब इनका जो ये मैसूर के लिए तो लड़ रहे थे, तो ये किसको दे दिया गया था, ये दे दिया गया था वाडियार डायनेस्टी को। वाडियार डायनेस्टी जो है इंडिया की ही डायनेस्टी थी, लेकिन इनको दे दिया और इनको बोल दिया कि भाई साहब ऐसा है तुम जो हो हमें अपना थोड़ा बहुत रख लेना, बाकी जो कंपनी का जितना भी माल है उसको तुम हमें दे दोगे। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल। सराइंगपट्टनम की ट्रीटी कब हुई, 1792 में। ठीक है, और सराइंगपट्टनम का बैटल जो है इट इज़ इन 1799। ठीक है, चार वॉर हुए हैं मैसूर के। ठीक है, अब टीपू सुल्तान हो गए, अब किसकी बारी आएगी, शिवाजी द ग्रेट, तो उसको क्या बोलते हैं, एंग्लो मराठा, मराठा दे तो थे वो, एंग्लो मराठा रिलेशन, एंग्लो मराठा रिलेशन कोई बहुत बढ़िया तो होंगे नहीं भाई, है ना। तो मराठा का जो मराठा ना ये सोच रहे थे कि हम तो पूरी दिल्ली तक कब्जा कर लेंगे, अब तो बहुत बढ़िया, मतलब ऐसे योद्धा लोग हैं, खूब अच्छे से हम लोग डिफीट कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, साउथ इंडिया का मैक्सिमम पार्ट यहाँ तक का ऐसे ऐसे जो है कब्जा कर लिया था उस टाइम तक। ठीक है, तो छत्रपति जो है शिवाजी ने अपने आप को छत्रपति डिक्लेयर किया था। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होते थे, पेशवा, पेशवा होते थे इनके, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, छत्रपति जो है उसके साथ 8 मिनिस्टर्स होते थे। तो जो ये 8 मिनिस्टर्स होते थे इनको बोलते थे, इनका जो पीएम होता था, इनका जो चीफ होता था उसको बोलते थे पेशवा। तो कभी कभी छत्रपति के होते हुए पेशवा जो है पावरफुल हो जाते थे। तो इस टाइम क्या था, ये लोग जो हैं 1740 के आसपास ये लोग पेशवा और छत्रपति ये लोग कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली तक हमारा रूल चला जाए, लेकिन क्या हो रहा था उस टाइम, दिल्ली पर अफगानिस्तान से अटैकर्स आ रहे थे। नादिर शाह जो था, जो वो पिकॉक थ्रॉन और कोहिनूर वगैरह लेके गया था, ही केम इन 1733, नादिर शाह वो आ गया। अच्छा, 1748 से लेकर 61 तक, क्या नाम था उसका, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली जो है ये 15 बार आया था इंडिया में, लूट लूट के ले गया। तो फिर इनका एक वॉर हुआ, एंड फर्स्ट वॉर वॉज 1775 से लेकर 1782 तक, इसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ सालवाई। ठीक भाई, फिर सेकेंड एंग्लो मैसू मराठा वॉर हुआ, इट हैपेंड इन 1803 टू 1805, एंड ये हुआ था आपका बाजीराव सेकेंड, वर्सेस लॉर्ड वेलेसली। फिर थर्ड हुआ, थर्ड वाला हुआ हमारा 1817 से लेकर 19 तक। एंड इट वॉज बाजीराव सेकेंड वर्सेस लॉर्ड हेस्टिंग, हेस्टिंग अवे था इस टाइम गवर्नर जनरल। तो इससे क्या हुआ था, इससे भाई ये हो गया था हमारा, ये लोग जो हैं हार गए थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, और इन्होंने क्या किया, जो पुणे जो इनका हेड था, जो इनकी मतलब जगह थी मराठाओं की, उनको शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, बिठूर, कानपुर में, कानपुर में जगह है, पेशवाओं को बोल दिया कि तुम वहाँ रहोगे एंड यू विल रिसीव पेंशन फ्रॉम कंपनी, कि तुम्हें कंपनी से जो है पेंशन मिलेगी।
ठीक है। देन कर्नाटका में उस टाइम ये वॉर हो गए, तो इससे क्या हुआ, मतलब अब तक क्या हुआ भाई, मैसूर के वॉर हो गए, मराठा वॉर हो गए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब जितना इनका ऑक्यूपाइड रीजन था ये सब कहाँ गया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया है ना। तो इससे क्या हुआ, साउथ का जो पार्ट था वो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया। प्लस ये लोग क्या करते थे, कुछ पॉलिसीज बनाते थे, जैसे सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस जो इन्होंने बनाया था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इंडियन रूलर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स नहीं रखेंगे और उनको प्रोटेक्शन मिलेगी आर्मी से, और उनको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी कि वो चाहते हैं कि कंपनी उन्हें प्रोटेक्ट करे। और अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो उनकी टेरिटरी जो है ना, कुछ पार्ट ऑफ द टेरिटरी जो है वो ऐसे पेनल्टी के तौर पे ले लिया जाता था। मतलब हमारे ही कंट्री में आके हमारे साथ ऐसे ऐसे रूल्स बनाते थे लोग कि मज़ा आ जाता था उनका, हमारा नाश हो जाता था। उसके बाद इसने एक एक ये बनाई थी आपकी, किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने है। और फिर एक आती है आपकी पैरामाउंटेसी। पैरामाउंटेसी की जो पॉलिसी थी उसमें ये था, पैरामाउंटेसी का मतलब होता है सुप्रीम, कि जो पावरफुल होगा ना, जो मतलब पावर है वो आप ब्रिटिशर्स को दे दो, क्योंकि वो क्या करेंगे आपको ना अच्छे से रूल करेंगे। इंडियंस जो रूलर्स हैं, इंडियन स्टेट्स जो हैं, उनको एक प्रोटेक्शन चाहिए, उनको अच्छा रूलिंग सिस्टम चाहिए, तो वो किसके पास है, वो है ब्रिटिशर्स के पास। तो इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपना पार्ट जो है, अपना किंगडम जो है हमें दे दो। ये वाली पॉलिसी किसने चलाई थी, ये चलाई थी भाई लॉर्ड हेस्टिंग ने। ये वेलेस्ली, ये रहा, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। अच्छा अब एक क्या हुआ, छोटा सा ऐसे धीरे धीरे वो शुरू हो गए मूवमेंट्स और ये लड़ाई झगड़े ऐसे ऐसे शुरू हो गए। तो एक है हमारा कर्नाटक जो है, कर्नाटक में जो किठूर नाम की जगह है उसमें रानी चाहमना जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू किया था और उनको 1834 में अरेस्ट कर लिया गया एंड शी डाइड इन 1829, ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी डर तो रही थी थोड़ी थोड़ी कि भाई क्या दिक्कत है, क्या करना चाह रहे हैं लोग। फिर इधर पंजाब में क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह जो है उनकी डेथ हो गई 1839 में, एंड कंपनी जो है उन्होंने 1849 में उसके पंजाब को जो है एनेक्स कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने एक पॉलिसी और बनाई थी और उस पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने बनाई थी, ये बनाई थी लॉर्ड डलहौजी। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर आपका कोई रियल हायर नहीं है, अगर आपका कोई असली का संतान नहीं है, अगर आप उसकी ब्लड बॉर्न में ब्लड नहीं है, आपका वो असली का बेटा नहीं है, तो आपकी जो किंगडम होगी, आपका जो राज्य होगा वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऑटोमेटिक हो जाएगा कि अगर आपका कोई अपना बेटा नहीं है तो आपके साथ ये ऐसा हो जाएगा। तो इससे क्या, वो बहुत सारे लोगों के पास अडॉप्टेड थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई वो अपने अडॉप्टेड सन के लिए तो लड़ी थी, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो होने लग गई। फिर ऐसे धीरे धीरे करके इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। देन हैपन्स रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवोल्ट था इसमें बहुत सारे सेंटर्स थे और बहुत सारे लीडर्स थे। दिल्ली से जो लीडर लड़े थे ही वॉज बख्त खान, ठीक है, फ्रॉम लखनऊ, बेगम हजरत महल, फ्रॉम कानपुर, कानपुर का याद है वो पेशवा,
तो पेशवा के अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब, उन्होंने रिवोल्ट किया क्योंकि इनकी पेंशन बंद कर दी थी कि भाई तुम तो अडॉप्टेड हो तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ भी। झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम है मणिकर्णिका, मूवी आई ना कंगना वाली। फिर फैजाबाद से ये थे हमारे मौलवी अहमदुल्ला शाह। बरेली से खान बहादुर। अलाहाबाद से लियाकत अली खान। एंड फ्रॉम जगदीशपुर इन बिहार ये थे जमींदार कुंवर सिंह। तो ऐसा सा कुछ सिस्टम चल रहा था, सब धीरे धीरे मतलब काम कर रहे थे ऐसे कि हम रिवोल्ट कर रहे हैं, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, सितंबर 1858 तक इस रिवोल्ट को जो है क्रश कर दिया गया कि बहुत देर हो गए अब बस कर जाओ। और 1 नवंबर 1858 को आ गया चार्टर, चार्टर एक्ट 1858। चार्टर एक्ट में क्या हुआ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। सबसे पहली चीज़ ये हुई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी आपको रूल नहीं करेगी। कौन रूल करेगा, इन द नेम ऑफ इम्प्रेस। एंड इम्प्रेस जो थी मतलब ब्रिटेन की जो क्वीन होंगी वो आपको रूल करेंगी कि अब आप उनके अंडर हो, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर हो। रॉबर्ट क्लाइव पे क्या हुआ था, करप्शन के कुछ चार्जेस लग रहे थे तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। फिर गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसको हटा दिया गया और इसकी जगह क्या हुआ, वाइस रॉय। फर्स्ट वाइस रॉय वॉज लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। फिर इंडिया काउंसिल जो है वो बनाया गया और इंडिया काउंसिल के जो हेड होंगे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो ये था बस, ये एक पोस्ट थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मेंबर होंगे, बात समझ रहे हो, ब्रिटिशर्स की पार्लियामेंट में जो बंदा बैठेगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा इंडियन काउंसिल का। आर्मी को रिस्ट्रक्चर किया गया कि भाई दो बंदे होंगे आपके इंडियंस और एक होगा इसमें ब्रिटिश, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें चल रही थी। अच्छा, इन्होंने 1772 में एक क्या बोलते हैं उसको, जस्टिस का सिस्टम शुरू किया था कि हमारे पास दो कोर्ट होंगी, एक होंगी क्रिमिनल कोर्ट एक होगी सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट जो है उसको बोलते थे हम फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत। और ये थी दीवानी अदालत। फौजदारी अदालत के अंदर ये जो थे इसके जज थे हमारे काजी और मुफ्ती, ठीक है। और सिविल के जो थे उसमें थे मौलवीज होते थे, हिंदू पंडित्स होते थे, ये लॉज को इंटरप्रेट करते थे किसके लिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए, ठीक है। फिर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, 1772 में ही हुआ। 1773 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ। बस दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।